जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर वन देखें। राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट्स। इस क्वेश्चन नंबर वन में हम लिखेंगे ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट्स। पहले इसके ये वन पार्ट में देखें, ये एक सेट लिखा हुआ है। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? वन। इसके हम ऑल सबसेट्स लिखेंगे। इसके कितने सबसेट्स बनेंगे वो हम पहले एक फार्मूले से चेक कर लेंगे। इसका फार्मूला आता है, हम टू की पावर लिखते हैं। टू की पावर लिखेंगे जितने इसमें एलिमेंट हैं। इसमें एलिमेंट कितने हैं? वन। एक ही एलिमेंट है तो हम टू की पावर एक लिख देंगे। तो इसका आंसर फिर क्या आएगा? टू की पावर वन हो तो टू ही आंसर आता है। अब इसके ये टू सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे? अब इसके ये टू सबसेट्स कैसे बनेंगे देखें। पहले इसका एम्प्टी सेट सबसेट होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट का ही सबसेट होता है। तो पहले हम एम्प्टी सेट इसका लिखेंगे। इसका ये एक एम्प्टी सेट सबसेट होगा और एक इसका एक ये खुद सेट सबसेट होगा, क्योंकि एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। तो फिर दूसरा इसका सबसेट यही होगा। इसमें हम वन लिख देंगे, वन। अब इसी तरह इसके ये दो सबसेट बन गए, एक एम्प्टी सबसेट है और एक ये खुद अपने आप का सबसेट है। अब सेकंड पार्ट में भी इसके सबसेट लिखेंगे। अब इसके कितने सबसेट बनेंगे ये भी हम फार्मूले से चेक कर लेंगे। टू की पावर हम कितनी लिखेंगे? जितने इसमें एलिमेंट हैं। कितने? वन टू थ्री। थ्री एलिमेंट हैं इसमें तो थ्री पावर लिखेंगे। तो इसका आंसर आएगा एट, क्योंकि टू टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आंसर आएगा। अब इसके एट सबसेट बनेंगे सेकंड पार्ट के। तो सबसे पहले हम इसका एक एम्प्टी सबसेट लिखेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक का ही सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट हम ऐसे भी लिख सकते हैं दो ब्रैकेट, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट। ये भी एक एम्प्टी सेट का साइन है। अब इसके बाद हम एक सेट में लिखेंगे ज़ीरो, इसमें आ जाएगा ज़ीरो। दो सबसेट बन गए, हम आठ पूरे करेंगे। अब इसके बाद एक सेट में हम वन लिख देंगे। क्या इसमें लिखेंगे? वन। तीन बन गए। अब इसके बाद एक सेट में हम क्या लिखेंगे? टू। चार बन गए। अब इसके बाद एक सेट में हम जीरो और वन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? जीरो और वन। अब इसके बाद एक सेट में आ जाएगा जीरो और टू, जीरो और टू। अब ये कितने बन गए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स बन गया, अभी टू रहते हैं। अब इसके बाद हम एक सेट में लिख देंगे वन और टू। क्या लिखेंगे? वन और टू। अब ये बन गए सेवन सबसेट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और ये आठवां सबसेट खुद अपने आप का होगा। अब इसके बाद यहाँ हम ये पूरा सेट लिख देंगे, क्योंकि ये अपने आप का भी सबसेट होता है। तो यहाँ हम इस सेट में क्या लिखेंगे? ज़ीरो वन टू। तो इसी तरह आठ पूरे हो गए। अब आपको ये भी पता हो कि सबसेट किसे कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसेट्स। ये समझने के लिए आप इनमें से कोई भी एक सेट देखें। ये देखें, इसमें कितने एलिमेंट हैं? टू, जीरो और टू। ये वाले सारे एलिमेंट अगर इस सेट में हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें अगर हैं, तो फिर ये सबसेट होगा इस सेट का, सेकंड पार्ट का। इसी तरह इनमें से कोई भी सेट देखें, उसके सारे एलिमेंट इस सेट में होंगे, तो इसलिए ये सारे ही सबसेट होंगे। देखें इसमें, देखें टू है, इसके एलिमेंट इसमें हैं, ये देखें इसमें टू है। तो इसी तरह ये भी सबसेट होगा इस सेट का, इनको सबसेट हम कहते हैं। इसी तरह ये सारे सबसेट हैं इस सेट के। अब ये थर्ड पार्ट में देखें, ये एक एम्प्टी सेट है, इसके हम सबसेट लिखेंगे। इसके कितने सबसेट लिखेंगे ये भी हम फार्मूले से चेक करेंगे। टू की पावर हम क्या लिखेंगे? इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसकी हम पावर ज़ीरो लिखेंगे। अब टू की पावर ज़ीरो होगी, जिस नंबर की भी पावर ज़ीरो आती है उसका आंसर वन आता है। अब इस थर्ड पार्ट का एक ही सबसेट बनेगा, वन। ये एम्प्टी सेट अपने आप का ही सबसेट होगा, तो इसका ये एम्प्टी सेट सबसेट बनेगा बस।